हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं पूजा। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेकर के आई हूं ना, वो नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है। और इस रेसिपी का नाम है टिक्की चाट। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना तो बहुत ही आसान है। और इस रेसिपी को बनाने में फ्रेंड्स, मैंने जो भी इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया है ना, वो हम लोग व्रत में खाते हैं। और इसमें मैंने ऐसा कोई भी इन्ग्रीडियंट्स नहीं डाला है जो हम लोग व्रत में ना खाते हों। और बहुत ही कमाल की रेसिपी बन के रेडी हुई है, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। अगर आप इसे एक दिन बनाएंगे ना, तो आप इसे 9 दिन बना के खाना चाहेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाट के लिए टिक्की की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। और ये आलू बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत जीरा। जीरा मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ फ्रेंड्स, जो टिक्की बनाएंगे ना, उसका जो आलू होगा उसको ज़्यादा हम ओवर कुक नहीं करेंगे। और मैंने डाल दिया है यहाँ पे ग्रीन चिली डाला है मैंने 2 से 3, और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आलू यहाँ पे ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो नमक हम लोग सेंधा नमक यूज़ करेंगे। नमक डाल देंगे, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुदाने का पाउडर। तो मैंने साबुदाना लिया है और उसको मैंने बस डायरेक्ट मिक्सर में उसको मैंने ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। और कुछ भी नहीं करना है, बस साबुदाना लेना है आपको और मुझे मिक्सर में उसको पीस लेना है। तो मैं यहाँ पे साबुदाने का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से 7 से 8 टेबल स्पून साबुदाने का पाउडर डाल करके अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से ये बाइंड हो जाना चाहिए, मतलब एकदम इकट्ठा हो जाना चाहिए हाथों में, बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, ऐसा इसका टेक्सचर रहेगा। तो अच्छे से मिक्स कर ले साबुदाने के पाउडर को आलू में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये टिक्की का जो डो है, ये बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई है। तो अब मैं यहाँ पे हाथों पे तेल लगा करके यहाँ पे मैं टिक्की बना लेती हूँ। तो देखिए, आपको जैसा टिक्की बनाना है, बड़ा या छोटा या मीडियम साइज़ का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो हाथों पे तेल ज़रूर लगा ले ताकि जो आलू है वो हाथों पे चिपके ना। और देखिए, इस तरीके से टिक्की बना लेंगे, बहुत ही आराम से टिक्की बन जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आलू है वो ज़्यादा ओवर कुक नहीं होने चाहिए, हमारा जो ये डो है ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपको गीला लगे तो आप साबुदाने का जो पाउडर है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और ज़्यादा कर दें। तो देखिए, इस तरीके से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। और इसमें कोई भी साबुदाने को भिगोने का झंझट नहीं है, बहुत ही इंस्टेंट ये रेसिपी बन जाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। थोड़ा सा जो आलू है मैंने उसको बचा के रखा है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए, अब हम चाट बनाना रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, जो हम लोग व्रत में खाते हैं। आप चाहे तो आप इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, या फिर जो भी आप ऑयल व्रत में यूज़ करते हैं आप वो ले लें। ऑयल के गरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 ग्रीन चिली। और मैंने यहाँ पे देखिए, एक मैंने खीरा लिया है और एक मैंने गाजर लिया है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, मीडियम साइज़ में मैंने इसको कट किया हुआ है। तो खीरा और गाजर डाल देंगे इसमें। हम यहाँ पे प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे खीरा और गाजर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो खीरा और जो गाजर है वो कुक हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन कलर में नहीं लाना है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं, टमाटर की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। टमाटर डाल देंगे, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे टमाटर को अच्छे से पकाना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सबसे पहले रोस्टेड जीरा पाउडर। जीरे को मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको मिक्सर में पीस लिया है, तो जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक डाल दिया है मैंने, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल टमाटर के गलने तक। तो इसको ऐसे ही पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे, तब तक हम यहाँ पे टिक्की को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे टिक्की को सैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें घी का यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा ही मैंने घी लिया है इसमें टिक्की को सैलो फ्राई करने के लिए। तो हमने जो टिक्कियाँ बना के रखी हैं उसको पैन में डाल देंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टिक्कियों को सेलो फ्राई करके ही खाएं चाट के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं, बहुत ही क्रिस्पी होती हैं ये। तो मैं सभी टिक्कियों को डाल दूँगी और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही टिक्कियों को हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे ताकि बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाएँ।
और इधर यहाँ पर देखिए जो टमाटर है वो गल गया है, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मैसर से मैश कर दूंगी टमाटर को, ताकि टमाटर खीरा जो गाजर है वो अच्छे से एकदम मैश हो जाए। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स इस चाट को और टिक्की को बनाने में, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाते हैं। अब मैंने जो थोड़ा सा जो आलू था ना टिक्की का जो बचा के रखा था, वो आलू डाल देंगे इस टमाटर के मसाले में। इससे जो हमारा जो जो चाट बनेगा ना, वो थोड़े से उसमें थिकनेस आ जाएगी चाट में और टेस्ट भी आ जाएगा। तो आलू को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है टमाटर के साथ, और यहाँ पे बीच बीच में जो टिक्की है उसको भी हम पलटते रहेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी एक साथ बन जाती हैं, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। एक तरफ आप चाट बनाइए, दूसरी तरफ आप टिक्कियों को भी इस तरीके से सेक लीजिए। और आलू डालने के बाद भी हमें यहाँ पे आलू को टमाटर को अच्छे से भूनना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, तो हम यहाँ पे पानी डालेंगे। और इसे फ्रेंड्स हम बिल्कुल ड्राई नहीं रखेंगे, इसे हम थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे, क्योंकि जो आलू है वो पानी सोख लेता है। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अभी इसमें अच्छे से उबाल आएगा और जो चाट होता है वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला रहता है, तो ही खाने में अच्छा लगता है। और फिर से इसको हम मैसर से अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि आलू टमाटर सब कुछ अच्छे से मैश हो जाए इसमें। आप चाहे तो आप टमाटर की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, एक दो और आप एक्स्ट्रा टमाटर ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ये और चटपटा चाहिए। तो अच्छे से इसको एकदम मैश कर लेना है। और यहाँ पर देखिए जो टिक्कियाँ हैं वो भी दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो गई हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो इनको ऐसे ही अलटते पलटते हुए इनको हमें क्रिस्पी कर लेना है, और 7 से 8 मिनट लग जाता है फ्रेंड्स इन टिक्कियों को सेकने में। जितनी देर में हमारा ये चाट बन के रेडी होगा, उतनी देर में ये टिक्कियाँ भी सिक जाती हैं। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं एकदम गर्मा गर्म टिक्कियाँ, और चाट भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और यहाँ पर देखिए जो चाट है ये भी बन गया है, अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली रहनी चाहिए ये टिक्की चाट। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब। तो देखिए हमारा जो टिक्की है वो भी रेडी है, हमारा जो चाट है ये भी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेट में इसको सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की रेसिपी होती है, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है, और बहुत और देखा आपने बनाना कितना इसको आसान है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें अब यहाँ पे चार टिक्कियों का चाट बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमें टिक्की बना के रखी है वो रखेंगे प्लेट में, अब उसके ऊपर से हमने जो चाट बना के रखा है वो चाट हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स इस चाट को देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि हमने इसमें प्याज लहसुन और बहुत सारे मसालों का यूज़ नहीं किया है। और जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो सारी चीज़ें हम व्रत में खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम व्रत में नहीं खा सकते। तो देखिए अच्छे से हमने जो चाट बनाया है उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही में मैंने हल्का सा पानी मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पतला कर दिया है, तो इसके ऊपर से हम दही डाल देंगे। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप इस दही में थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो दही को अच्छे से डाल देंगे, उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ खीरा, खीरे को मैंने ग्रेट कर लिया है। खीरा डाल सकते हैं आप, यहाँ पे गाजर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, जो भी आप डालना चाहें। ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये टिक्की चाट बनके रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसे अगर एक दिन बनाकर खाएंगे ना, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, और आपकी पूरी फैमिली में ये सबको पसंद आने वाला है ये टिक्की चाट, मेरी गारंटी है। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।